यार ये वीडियो आप सबके लिए, बेशक आपने कॉल सेंटर में जॉब करनी है या नहीं करनी, कम से कम आपको ये समझ आ जाएगी ये सारे इतने बंदे जो कॉल सेंटर में जॉब करते हैं ऐसा क्या है कॉल सेंटर में जो इतने लोग जाई जा रहे हैं कॉल सेंटर में। मैंने दो एजेंट ला लिए अपने, तो इनसे पूछते हैं जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो वो कौन से क्वेश्चन पूछते हैं, कोई मैन मैन क्वेश्चन कोई। इनकी जो सैलरीज होती है एजेंट्स की वो क्या सैलरीज दे रही है वर्क फ्रॉम होम अगर किसी ने करना हो तो। यार हम इधर सेलेक्ट हो गए हैं और हमें ट्रेनिंग मिल रही है अभी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो यार आज का व्लॉग मुझे बनाने का बड़ा शौक था क्योंकि मेरे जो सारे दोस्त थे जिसको देखो ना वो कॉल सेंटर जाता है और कॉल सेंटर ऐसा जाता है कि वापस ही नहीं आता। अभी मेरे तकरीबन 10 से 15 दोस्त जो है वो कॉल सेंटर जाते हैं और सारे के सारे मतलब उनको तो साल से ऊपर तो हो ही है। तो मैं खुद देखना चाह रहा था कि ये ऐसा क्या है कॉल सेंटर में कि जो भी जाता है वापस ही नहीं आता, वहीं का होकर रह जाता है। ये वीडियो आप सबके लिए, बेशक आपने कॉल सेंटर में जॉब करनी है या नहीं करनी, कम से कम आपको ये समझ आ जाएगी ये सारे इतने बंदे जो कॉल सेंटर में जॉब करते हैं वो ऐसा क्या है कॉल सेंटर में जो इतने लोग जाई जा रहे हैं कॉल सेंटर में। आज मैं जाके देखूंगा कि वहाँ पे क्या सूरत-ए-हाल होती है और इन्फॉर्मेशन के लिए खुद भी मैं जाऊंगा, इंटरव्यू दूंगा वहाँ पे, हो सकता है कुछ पसंद आए तो ट्रेनिंग लूँ, ट्रेनिंग लेने के बाद जॉब भी करूँ। तो चलें अभी हम जाते हैं कॉल सेंटर की तरफ और फिर उसके बाद वहाँ पे जो जो होता है मैं साथ साथ आपको दिखाता रहूँगा। यार हम लोग पहुँच चुके हैं कॉल सेंटर, कॉल सेंटर के बाहर बैठे हैं। ये एक कॉल सेंटर है ऑल स्टार, दूसरा इन्फिनिटी, दोनों में देंगे अभी इंटरव्यू, तो जिसमें जो अच्छा लग गया उधर चले जाएंगे। फिर मैंने भी इंटरव्यू देना है, इसने भी इंटरव्यू देना है, जाके इंटरव्यू देते हैं फिर मैं बताता हूँ इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन हुए, उसके बाद फिर जॉब करनी है नहीं करनी उसके बाद हम दोनों सोचेंगे बाद में। यार आप पहुँच तो हम गए हैं, हम दोनों डिसाइड कर रहे हैं कि पहले इंटरव्यू कौन देगा। मैं कह रहा हूँ ये देगा, ये कह रहा है मैं दूंगा, मैं तो नहीं देता बच्चे तू ही देगा। मैं काम करना क्यों नहीं है, चल इकट्ठे जाएंगे कहीं इकट्ठे इंटरव्यू देने। आज अंदर हम आ चुके हैं, बिलाल अभी इंटरव्यू देने गया हुआ है एचआर के रूम में और मैं इंतजार करूं, पर वो आएगा तो मैं इंटरव्यू देने जाऊंगा, वो आता है और फिर मैं जाता हूं, फिर देखते हैं सिलेक्शन हमारी होती है नहीं होती। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर सिलेक्ट हो गई आपकी सिलेक्शन हो गई है। यार हम इधर सिलेक्ट हो गए हैं और हमें ट्रेनिंग मिल रही है अभी। ये मुझे पिच सुना रहा है, बताइए मुझे पिच सुना। हेलो माय नेम इज जॉर्डन कॉलिंग यू फ्रॉम सीनियर बेनिफिट, हाउ आर यू डूइंग टुडे? आई एम गुड, हाउ आर यू? Okay, thank you. I'm calling to let you know of our new logos, final expense, insurance plan. Say yeah. This plan is designed to cover 100% of your reading kar raha tu ye kis se aa raha hai by the way aapko wo dikha deta hu page yeah jo bhi hai iska screenshot lo isko yaad karo aur jaake बोलना मेरा 6 महीने का एक्सपीरियंस है। यार हमने पहले ऑल स्टार में दिया था इंटरव्यू तो इसका नहीं हुआ था, ये मैंने भी 4 बार छोड़ के जा चुका है। लास्ट टाइम मैंने ब्लॉग बनाया था 6 महीने पहले, शायद आपको याद हो, तो उसमें भी इसने उधर ही इंटरव्यू दिया था, सेलेक्ट भी हो गया था, ट्रेनिंग भी ले ली थी, उसके बाद छोड़ दिया। अभी हम इनोवेटिव में आए हैं, इनोवेटिव में हम दोनों सेलेक्ट हो गए हैं। यार अभी हमें थोड़ी सी ब्रेक हुई थी इधर कॉल सेंटर में, 10:45 पे टाइम कब है दोस्त? 11:45 पे हुई थी ब्रेक, 12:45 पे भी 1 घंटे की ब्रेक खत्म हुई है। अभी हमें कुछ दिया लिखने के लिए ब्रदर, मैं ले सकता हूँ इस पे तो लिखा ही नहीं है। हाँ ये कुछ ऐसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन उसमें दिए थे, कैसे लिख रहे हो फिर लिख लिया हमने, अब इनको याद करेंगे। यार अभी अभी हम वापस आए हैं, पहले मैं बताता हूँ इंटरव्यू में क्या पूछा है। इंटरव्यू में मेरे से ऐसे रैंडमली क्वेश्चंस पूछे हैं, इंटरव्यू जो सेल्फ है उसका बताने के बाद मुझे फिर वो कहते हैं कि क्या कर रहे हो, तो मैंने एम ही बस बात करते करते बता दिया कि मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ। तो उन्होंने फिर वैसे ही जज करने के लिए मेरे इंग्लिश को उन्होंने पूछना शुरू कर दिया कि व्लॉगिंग क्या कर रहे हो, क्या बना रहे हो, क्या मतलब इस तरह रैंडमली क्वेश्चन वो मैंने बताए हैं। तो फिर उसके बाद कहती है ठीक है बाहर बैठ जाऊँ, मैं बाहर बैठ गया, फिर उसका इंटरव्यू हुआ है। अपना बता, तेरे से इंटरव्यू में क्या पूछा है, क्या पूछा? इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हाँ फिर बस ये कुछ पूछा है और कुछ भी नहीं। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ के बाद क्या कहती है आज, उसके बाद सैलरी पूछी आप कितनी एक्सपेक्ट करते हो? हाँ 30K का है। उसके बाद उसने सारा कुछ समझाया कि इस तरह होगा तो आप बैठो आपको बताते हैं। हाँ बस सिंपल है, मतलब कुछ भी नहीं पूछते वैसे। अगर मैं जो अपना मेरा एक्सपीरियंस है ना कि अगर आपने बेशक काम करना है या नहीं करना, एक ना एक दफ़ा कॉल सेंटर में आ गए ना आप ट्रेनिंग ज़रूर ले लो, मतलब सही है, शुगर मेला है, फन है। वैसे ही बैठते हैं जो आपका ट्रेनर होता है, ट्रेनर आपको फर्स्ट डे तो कहानियाँ सुनाएगा आपको, इधर की उधर की पता नहीं किधर किधर की। मैं 2 बार ट्रेनिंग ले चुका हूँ, 1 बार मैंने ऑल स्टार से लिया और 1 बार इन्फिनिटी से लिया उसके सामने। दोनों बार फर्स्ट डे तो जो मारा गया ना उसमें हमें बताते सिर्फ इतना सा है कि हल्का सा कॉल सेंटर ये होता है, छोटा मोटा ये होता है, ऐसे होता है वैसे होता है, मतलब 4-5 घंटे की ट्रेनिंग होती है, उसमें आपको मुश्किल से 1 घंटा वो बताते हैं और वो भी वो स्क्रिप्ट जो मैंने दिखाई थी ना
उसको पढ़ के उसको ट्रांसलेट करके बताते हैं, एक वो होता है और एक पता नहीं 15 मिनट की एक कोई और बात होगी, बाकी सिर्फ आपसे इंगेज करते हैं, सिर्फ आपको बताते हैं ऐसे है वैसे है ये है वो है। मतलब ये नहीं कि कल सेंटर की हम आज मतलब डिस्कस कर रहे थे हम फिलिस्तीन को क्या हो गया और पाकिस्तान के हालात और पता नहीं क्या ऐसे वैसे, मतलब रेंडमली उर्दू में वैसे बातें कर रहे थे। यार एक चीज़ होती है, पहले आपको बड़ी इंग्लिश आ रही होती है, जैसे मैं इधर नहीं गया था इंटरव्यू देने, उससे पहले मैं बड़ी इंग्लिश मारूं ऐसे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अंदर जाओ तो बंदे को इंग्लिश भूल जाती है। इस बार तो मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, एक दफ़ा पहले मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं अपने दोस्त के साथ गया था इंटरव्यू देने ना, उसने इंटरव्यू देना था तो उसने मुझे कहा कि चल तू भी मेरे साथ चलना, मैं कहा ठीक है, हम दोनों चले गए इंटरव्यू देने, तो वो बैठा मैं उसके साथ बैठा, तो इंटरव्यू लेने वाला आया वो सामने बैठ के कहता है कुछ बोला है उसने, मुझे समझ नहीं आई ना, मैं बैठा हुआ तो मेरे साथ है लड़के ने उसका जवाब दिया, वो मेरी तरफ देख रहा है, मेरी तरफ देख रहा तो मैं परेशान, मैं कहा ये क्या बात कर रहा है, मैंने उसको बोला मैं कहा सर मेरा इंटरव्यू नहीं है इसका है, तो वो आगे से कहता है कि भाई मैं नाम पूछ रहा हूँ, मतलब इतनी बेसिक सी चीज़ जब बंदे को प्रेशर आ जाता है ना तो नहीं समझ लगती। तेरा कॉल सेंटर से हमारी वापसी होगी, इतने सारे लड़के हमारे से फेक घर से जाती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 8 लड़के जाते हैं, अभी हम इससे पूछेंगे कॉल सेंटर का, क्योंकि ये लोग तो बताएंगे नहीं, बताएगा कोई भी अभी नहीं बताएंगे, ये इससे पूछूंगा। तो यार बकाया डिटेल लेने के लिए मैंने दो एजेंट डाल लिए अपने, तो इनसे पूछते हैं, तो इसका नाम है, बल्कि तुम खुद ही बताओ, उमर और ये अच्छा, इन दोनों का कॉल सेंटर में एक्सपीरियंस है, तेरा कितना एक्सपीरियंस है? मेरा साल 1.5 साल 1.5 साल और तेरा? अच्छा यार सबसे पहला जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आया था वो ये था कि कॉल सेंटर किस किस जगह पे हैं, तो तू पहले बता दे कि ये किधर किधर है। सबसे ज़्यादा कॉल सेंटर 6th रोड, हाँ, मार्शल एरिया, हाँ, सदर, और फैजाबाद वाली साइड है। ठीक है, अच्छा दूसरा ये है कि वैसे रैंडम क्वेश्चन के कोई अगर कॉल सेंटर जॉब करना चाहे तो वो क्यों करे? ईजी जॉब है, हर कोई मतलब के जो भी होते हैं वहाँ पर हो जाता है, इंटरव्यू उसका पास हो जाता है, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है वहाँ पर काम करना। अच्छा अब तू बता, तो सबसे मेन क्वेश्चन होता है वो कि जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो वो कौन से क्वेश्चन पूछते हैं, कोई मेन क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन ये पूछते हैं, एक्सपीरियंस तो पूछते हैं, अगर आप बोलेंगे फ्रेशी है तो पूछेंगे किसके रेफरेंस से आए हो, पहले क्वालिफिकेशन पूछते हैं, वो जितनी मर्जी हो कुछ नहीं पूछते, बस आपको इंग्लिश समझ आनी चाहिए, वहाँ पे जो एचआर बैठी होती है वो आपसे इंग्लिश में बातें करती है, वो आपको नोटिस करती है कि आपको अगर समझ आ रही है उसकी बातें तो आपको बोलेगी ठीक है, अगर नहीं समझ आ रही वो आपको टाइम दे देगी, मतलब एक दिन किस्म का ना चंडा करा देगी, ठीक है जी आपको कॉल कर देंगे, बाद में बताएंगे, बाद में बताएंगे, ठीक है। और ट्रेनिंग का क्या हिसाब होता है अगर आपने सेलेक्ट हो गए उधर? अगर आपका एक्सपीरियंस होगा तो आपको मर्जी है आपकी, क्या पता 2 घंटे के लिए बैठा है 1 घंटे के ट्रेनिंग में, अगर आप फ्रेश होंगे तो आपको 3 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी, फिर उसके बाद 3 दिन आप ट्रेनिंग में क्या होता है मैन मैन ट्रेनिंग में हमारे पास एक ट्रेनर होता है, वो हमसे शुगर लगाता है, बातें करता है, सारी बताता है कि क्या चेक कर रहा है, मतलब जो अवतार में जाएंगे तो आप सबको सिखाएगा आपको ये अब ये कौन बटन इस टाइम, अब तो अवतार खत्म हो गया ना, जहाँ अवतार इतना थोड़ा बहुत तो चल रहा है लेकिन वॉइस का ज्यादा रोल है, वॉइस पे वो आपको सिखाना पड़ता है, जो एक्सपीरियंस वाले होंगे उन्हीं को आजकल से रख रहे हैं कॉल सेंटर में वॉइस पे, नहीं तो एक्सपीरियंस के बाहर वाले वॉइस पे। अच्छा यार इनकी जो सैलरीज होती हैं एजेंट्स की वो क्या सैलरीज दे रही हैं, पहले अपना कॉल सेंटर बता दे। हमारे कॉल सेंटर में अवतार पे दे रहे हैं 28 दे रहे हैं अवतार पे, अवतार पे सिर्फ आपको फ्रेश ही करने पड़ते हैं, फ्रेश ही कभी 28 ही देते हैं। हमारे कॉल सेंटर में फाइनल एक्सपेंस की पेन चल रही है, वॉइस भी है, वॉइस पे हमें सैलरी मिलती है, वक्त 28 ही दे रहे हैं, कह रहे हैं 3-4 महीने तक आगे शिफ्ट कर देंगे फिर हमारी सैलरी बढ़ जाएगी सारा सिस्टम। और बाकी कॉल सेंटर जो है मतलब बाकी कॉल सेंटर में अलग अलग सैलरी है, हमारा 8 स्टार है। बाकी कॉल सेंटर में क्या होता है सेले वगैरह अलग अलग होती है, फाइलों पे डिपेंड करता है कि किसकी कितनी सैलरी मिलेगी, जिधर फाइलें अच्छी चलती हैं वहाँ पे सैलरी भी ज्यादा होती है, जिधर फाइलें कम चलती हैं उधर सैलरी भी कम। हाँ तो इसका ग्रोथ का क्या चक्कर है, मतलब एज एजेंट जाता हूँ तो मुझे कितना अर्सा लगेगा मैं वेरीफाई बनूँ या फिर वो क्लोजर, या वो आपके काम पे डिपेंड करता है, अगर आप एक दिन में सही तरह सेले मारेंगे, महीने की सेले मारेंगे, फिर आप बात करेंगे टीम लीडर आपको खुद ही या तो डिवाइस पे बिठा देगा, फिर आस्ते आस्ते आप क्लोजर बन जाएंगे, फिर इस तरह टीम लीडर बनने के भी चांसेस होते हैं, फ्लोर मैनेजर के बनने के जो घर के लिए काम देते हैं, लेकिन उसमें इतना मतलब फायदा नहीं है, आपको बेसिक सैलरी नहीं मिलती, कमीशन मिलता है सर, मतलब जितनी आपने सेले की आपको उसी के पैसे मिलेंगे। तो अभी कोई है कॉल सेंटर तेरे ख्याल में जो कॉल सेंटर अलाउ कर रहा हूँ? जब तक जहाँ तक मैंने सुना एक मार्स बीपीओ है, खन्नापुर भी है, उसके बड़ी ब्रांचें हैं 3-4 इस्लामाबाद में भी है, एक 6th रोड में भी है, मार्स बीपीओ दे रहे हैं। ठीक चले ओके थैंक यू हमें टाइम देने के लिए, आप दोबारा कुछ पूछना हुआ तो मुझे क्वेश्चन बोलते ना, वैसे मैं भी आजकल काम कर रहा हूँ कॉल सेंटर में, मैं खुद बताऊँगा आपको, नहीं तो हम इनसे पूछ लेंगे।